जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्या और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 4 के लिए विज्ञान विषय का पाठ योजना लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जहाँ आपको सभी विषयों के सैकड़ों लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन में चले जाएँ और वहाँ अलग अलग विषय की प्लेलिस्ट मिलेगी जहाँ आपको 500 से अधिक लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम आप पाठ योजना संख्या लिख देंगे, फिर उसके नीचे आप विद्यालय का नाम लिखेंगे। जिस विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए जाएंगे उस विद्यालय का आप नाम लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप 5 कॉलम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, कालांश, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित करेंगे जिस तिथि में शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे लिख देंगे, जिस विषय का शिक्षण कार्य कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे, जो घंटी होगी उसको आप कालांश में लिखेंगे और उसकी जो अवधि होगी उसको अवधि के नीचे लिख देंगे। फिर उसके नीचे आप प्रकरण लिखेंगे। प्रकरण में दोस्तों, आज का हमारा जो प्रकरण है वह है पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की अवस्थाएं। प्रकरण के नीचे आप लिखेंगे सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखिए नंबर 1 क्या है, बच्चों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। उसके बाद देख लीजिए नंबर 2, बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 3, बच्चों को उनके परिवेश से जुड़ी वस्तुओं के गुणों का ज्ञान प्राप्त होगा। नंबर 4, बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न करना। नंबर 5, बच्चों में तार्किक क्षमता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य के बाद आप लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए क्या है, छात्रों को पदार्थ तथा पदार्थ की सभी अवस्थाओं की जानकारी प्राप्त होगी। उसके बाद आप लिखेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में कक्षा उपयोगी उपकरण जैसे गेंद, पानी से भरी गिलास, सेंट अर्थात इत्र की बोतल, पेपर वेट आदि। इसके बाद आप पूर्व ज्ञान लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में है बच्चे अपने आसपास की वस्तुओं से परिचित हैं। अब इसके बाद आप प्रस्तावना पे आ जाएंगे। प्रस्तावना में देख लीजिए दोस्तों, 3 कॉलम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ आप पहला प्रश्न करेंगे कि तुम्हारे आसपास कौन कौन सी वस्तुएं हैं, तो छात्र देख करके बताएंगे, कहेंगे कुर्सी, मेज, पानी की बोतल आदि। अब अगला प्रश्न यहीं से बना लेंगे, दूसरा प्रश्न कि कुर्सी किस चीज की बनी है, छात्र बताएंगे लकड़ी की। अब अगला प्रश्न यहीं से बनाइए, लकड़ी कौन सी अवस्था में है, छात्र मौन हो जाएंगे, यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर उसके बाद हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए, बच्चों आज हम लोग पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उद्देश्य कथन के बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्याम पट्ट कार्य। अब यहां देख लीजिए, शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है पदार्थ की परिभाषा व उदाहरण। अब अध्यापक कथन में देख लीजिए, पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जिसका ज्ञान हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, जैसे लोहा, पत्थर, जल, वायु इत्यादि। छात्र अध्यापक कथन को ध्यान पूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्टकार, हमारे आसपास की सभी वस्तुएं पदार्थ ही हैं। इसके बाद अगला शिक्षण बिंदु है पदार्थ की अवस्थाएं। अध्यापक कथन देखिए, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। नंबर 2 द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। नंबर 3 गैस अवस्था, गैस स्टेट। छात्र ध्यान पूर्वक सुनेंगे। अगला शिक्षण बिंदु है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। अध्यापक कथन देखिए, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार, आयतन निश्चित होता है। आकार, आयतन निश्चित होता है, ठोस अवस्था कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, कुर्सी आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। इसके बाद द्रव अवस्था, अगला शिक्षण बिंदु है द्रव अवस्था। अध्यापक कथन देखिए, पदार्थ की वह अवस्था
जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, जैसे जल, तेल, दूध आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। श्यामपटकार में देखिए, द्रव में बहने का गुण होता है, इसलिए वे जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गैस अवस्था, अध्यापक कथन, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होता है, जैसे इत्र, वायु, ऑक्सीजन आदि। छात्र ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद बोध प्रश्न नंबर 1, ठोस अवस्था किसे कहते हैं? नंबर 2, द्रव अवस्था में क्या अनिश्चित होता है? नंबर 3, गैस अवस्था में क्या क्या अनिश्चित होता है? फिर उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न नंबर 1, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? नंबर 2, तीन गैसी पदार्थ का नाम बताओ। नंबर 3, द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं क्यों? इसके बाद आप श्यामपट्टकार पे आ जाएंगे। छात्राध्यापक बच्चों से श्यामपट्टकार को उतारने के लिए कहेगा। निरीक्षण कार्य, छात्राध्यापक छात्रों की कापियों का निरीक्षण करेंगे कि वह श्यामपट्टकार कापी में उतारे हैं या नहीं। गृह कार्य, ठोस, द्रव, गैस तीनों पदार्थों की सूची बना करके लाना है। नीचे हस्ताक्षर छात्राध्यापक, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। फिर उसके बाद दोस्तों लेसन समाप्त होता है। आप लोगों से अपील है कि अगर वीडियो को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चले जाइए डिस्क्रिप्शन में, जहां आपको सभी विषयों के सैकड़ों लेसन प्लान देखने को मिल जाएंगे। इसलिए डिस्क्रिप्शन को टच करिए, उसमें जाइए, अब बहुत से लेसन प्लान का आप लोग लाभ लीजिए। लेकिन वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।